अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CS603 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका सलूशन देखते हैं हम। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये उसकी देख लें आप, टाइमिंग देख लें, आज रिकॉर्ड किया। ये डैश इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये कंफर्म है। ये देखें आगे, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड मे बी कॉल्ड अ क्लास इंस्टेंस। और क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश स्टैंड्स बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन एंड द डिटेल डिजाइन। इसका ये है कि आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है वो, जो कि दोनों के दरमियान होता है। देखें, आर्किटेक्चरल डिजाइन सिट्स बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ बेसिकली वेरिएबल एंड दैट बिलोंग्स टू द क्लास, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये 60% कंफर्म है, क्योंकि इसका ये देखें आगे कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास। इसमें एट्रीब्यूट्स भी कहा है और उसमें फंक्शन मेथड्स भी कहा है, इसलिए ये 60% लगाया, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दोनों उसने कहा है। और जो है मेथड्स को ऑपरेशंस भी कहते हैं, इसलिए मैंने इसका एट्रीब्यूट्स लगा दिया है और कन्फर्म नहीं है ये। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास कि आर डैश इज अ कनेक्शन बिटवीन द क्लासेस रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द कनेक्टेड क्लासेस। तो उसने रिप्रेजेंटिंग का कहा है कि दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट क्या करता है, तो वो एसोसिएशन करती है। देखें, एन एसोसिएशन इज द कनेक्शन बिटवीन क्लासेस रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द कनेक्टेड क्लासेस। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास के अ डैश इज अ रियल टाइम यूजर डिफाइंड रियल टाइम ब्लूप्रिंट्स फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो ये देखें, फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट्स किससे बनते हैं और वो ब्लूप्रिंट्स भी हों, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्लासेस होते हैं जिसके तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। ये देखें, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट्स और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ये नेक्स्ट है कि डिटेल डिज़ाइन इंक्लूड्स डैश स्टेजेस, उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। देखें यहाँ से, बिकॉज ऑफ इट्स साइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड द रेंज ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ हेल्पफुल टू फर्दर डिवाइड डिटेल डिज़ाइन इनटू टू कैटेगरीज। देखिए टू लिखा है, और वो कौन कौन सी हैं, वो मिड लेवल डिज़ाइन है और लो लेवल डिज़ाइन है। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास के एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, उसमें डाटा भी होता है और उसका बिहेवियर भी होता है। इसलिए देखें, एन ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी दैट होल्ड्स डाटा एंड एग्जिबिट्स बिहेवियर, यानी कि उसके पास डाटा भी होता है और वो उसका कुछ बिहेवियर भी होता है, इसलिए इसका डाटा एंड बिहेवियर दोनों ही आएगा। ये नेक्स्ट है हमारे पास कि एन डैश इज एन एंटिटी डैट होल्ड्स डाटा एंड एग्जिबिट्स बिहेवियर। ये दोबारा वही ऑब्जेक्ट वाला ही आ गया जो पहले देखा हमने, इसलिए इसका भी ऑब्जेक्ट ही है। ये देखें इसकी डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी डैट होल्ड्स डाटा एंड एग्जिबिट्स बिहेवियर। ये वही दोबारा आ गया, बस उसकी वर्डिंग वगैरह चेंज आ गई है। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास के ट्रेड ऑफ्स ऑफ फिजिबल प्रोडक्ट स्केड्यूल एंड बजट विल नॉट बी क्लियर विदाउट, किसके तरीके से ये ट्रेड ऑफ्स वगैरह और बजट वगैरह हम क्लियर, यानी कि सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसके बगैर, वो आर्किटेक्चर के बगैर आप सही तरह से उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ट्रेड ऑफ्स ऑफ द फिजिबल प्रोडक्ट स्केड्यूल एंड द बजट विल नॉट बी क्लियर विदाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी इसी में से बुक में से मिल गया है। ये एक नेक्स्ट था, इसका वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले सका, इसलिए उसका फिर भी
आंसर है कि बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडल, वो उसमें मोस्टली सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, एनालिसिस मॉडल था, क्लास मॉडल था, और दूसरे यानी कि एक दो और मॉडल थे उसका ये है, बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडल्स होते हैं, कौन सा होता है वो एनालिसिस होता है, इस टाइप का था वो।